अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर वकार अली आज हम लेक्चर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर टू कंप्यूटर मेमोरी में से टाइप्स ऑफ मेमोरीज को डिस्कस करेंगे और फिर उन टाइप्स ऑफ मेमोरी में से सबसे फर्स्ट वन इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मेमरीज कौन कौन सी है उनकी टाइप्स कौन कौन सी सबसे पहले बात करते हैं अगर मेमोरी को तो कहते हैं मेमोरी बेसिकली आपको पता है कि जी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि टेम्परे या परमानेंट डाटा को क्या कर रही होती है अपने पास स्टोर कर रही होती है कहते हैं याद रखिएगा इसकी दो टाइप्स हैं एक आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी को हम जब डिवाइड करते हैं तो फर्दर तीन कैटेगरी डिवाइड होती है वो सबसे पहले इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी देन रैम और फिर यानी कि ये तीन ऐसी मेमोरीज हैं जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरीज में लाए करती हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज जो सी है वो कैश मेमोरी और रजिस्टर्स में डिवाइड होती है रैम की फर्दर जो सी टाइप उसमें एस रैम और डी रैम है और इसी तरह रॉम की फर्दर जो टाइप्स हैं पी रॉम ई पी रॉम और डबल ई पी रॉम है कहते हैं हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन डिस्कस करने से पहले हम सेकेंडरी मेमोरी को भी देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी में देखें फर्दर तीन कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है जिसकी टाइप्स में आपके पास मैग्नेटिक टेप आ जाती है हार्ड डिस्क आ जाती है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स वगैरह आ जाती हैं ये सारी की सारी जो मेमोरीज हैं ये क्या है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी जैसे हम ऑप्टिकल मेमरीज की तरफ आते हैं तो इन टाइप्स के अंदर हमारे पास सीडीज डीवीडीज ब्लू रेज वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं और जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी की तो याद रखें सॉलिड स्टेट मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी में है वो आपकी यूएसबी फ्लैश डिस्क वगैरह आ जाती हैं और उसके साथ साथ एस डी कार्ड वगैरह आ जाते हैं अब यहां से हमें पता चल गया है कि हमारी जो मेमोरी है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज हैं, फिर आपके पास रैम और रोम है जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और सॉलिड स्टेट मेमोरी है अब हम वन बाय वन तमाम मेमोरीज को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम मेन मेमोरीज में से इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी को डिस्कस करते हैं और इसकी डिस्कशन के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पोर्ट अब बात करते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज की इंटरनल का क्या मतलब है इनसाइड बात क्लियर होगी प्रोसेसर यानी कि वो मेमोरी जो इनसाइड द सीपीयूज होती हैं दीज आर नोन एज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी वो तमाम के तमाम मेमोरीज जो कि सीपी के अंदर होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी इंटरनल प्रोसेसर मेमरीज होती है और कहते हैं याद रखिए क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इन्हें लिहाजा इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है अब स्पीड फास्ट क्यों ना हो इसकी क्या वजह है कहते देखें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है ये मेमरी लिहाजा एक्सेस तो बहुत ज्यादा फास्ट होगी और अगर एक्सेस फास्ट है तो आपकी प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट हो रही होती कहते हैं याद रखिएगा ये दो तरह की मेमोरी आपकी जो सी है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन आपकी कैश या सम कैशे भी कहलाती है कैश या कैशे मेमोरी और सेकंड वन जो सी आपकी होती है दीज आर नोन एज रजिस्टर्स अगर वन बाय वन इस पॉइंट को देखते हैं क्या कहते हैं टेम्प्रेरी मेमरी इन साइड द सी आर नॉन एज इंटरनल प्रोसेसर मेमरी दीज आर डायरेक्टली एक्सेस बाय द सी आर एक्सट्रीमली फास्ट मेमरीज एंड वेल नॉन मेमरीज ऑफ इंटरनल प्रोसेसर मेमरीज आर कैश मेमरी एंड द रजिस्टर्स यहां पर दोनों मेमरीज को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कैश या कैश मेमरी के में क्या कहते हैं स्मॉल एंड हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमरी हमने पढ़ा था ना कि सेमी कंडक्टर मेमरीज वो होती है जो कि बेसिकली सिलीकॉन वगैरह से बनाई जाती हैं जो कि बेसिकली एक्सट्रीमली फास्ट है साइज में आपकी बहुत कम है ठीक है ये चिप मेमोरी की ही फॉर्म में होती है लेकिन ये कहां पर है कहता है एग्जिस्ट इन साइड द सीपीयू और ऑन मदरबोर्ड कहते है जो आपकी कैश मेमोरी है ये इन साइड द सीपीयू भी होती है और इसके साथ साथ मदरबोर्ड तो पे भी आपकी होती है इसका मतलब है जो कैश मेमोरी है उसका कुछ हिस्सा आपका कहां पर होता है सीपीयू के अंदर और कुछ हिस्सा कहां पर होता है आपका मदरबोर्ड के अंदर और अब ये जो हिस्सों की बात करें हैं ना इसका मतलब है कैश मेमोरी को कुछ लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया ठीक है उसमें से कुछ लेवल्स आपके कहां होते हैं आपके इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू और जो बाकी लेवल है वो कहां पर होते हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर फिर इसके बाद क्या कहता है कहता है ये बेसिकली करती क्या है वो तमाम का तमाम एक्टिव पोर्शन जो कि मेन मेमोरी का है जिसके ऊपर करंटली कोई ना कोई काम होना होता है ठीक है वो सारा का सारा कहां पे पड़ा होता है आपका कैश मेमोरी के अंदर होता है बात क्लियर हो रही है फॉर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा पी वन वो पूरा का पूरा प्रोग्राम सबसे पहले कहां पे लोड हुआ रैम के अंदर फिर जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो वो सारा का सारा उठा के कहां भेज दिया गया कैश मेमोरी के अंदर अब जो सीपीयू है अगर देखा जाए तो वो एक वक्त पे कोई एक इंस्ट्रक्शन या दो इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होगा एग्जीक्यूट कर रहा होगा कहता है जब वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो कुछ तो आपका करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ एग्जीक्यूट होना है वो जो एक्टिव पोर्शन है वो कहां पर पड़ा होगा आपका कैश मेमरी के अंदर यहां तक बात क्लियर होगी फिर कहता है ये आपकी ये जो मेमोरी है कैश मेमोरी ये लाए करती है इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू यानी कि रैम से सीपीयू के दरमियान सिर्फ एक ही मेमोरी आपकी आ रही है और वो कौन सी आपकी कैश मेमोरी आ रही है यहां तक बात क्लियर हुई फिर कहता है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जिसने अभी बात की है कि जी कुछ आपके लेवल्स कहां पर होते हैं आपकी सीपीयू में होते हैं और कुछ लेवल्स आपके क्या होते हैं मदरबोर्ड पे होते हैं जैसे कि लेवल वन है एल वन के कैसे ला, कहलाता है लेवल टू है एल टू कैसे कहलाता है लेवल थ्री को हम एल थ्री कैसे कहलाते हैं ठीक है अब ये जितने भी लेवल्स हैं ये लेवल वन टू थ्री इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं जरा ये डायग्राम देखिए जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है इसमें मैंने सीपीयू के अंदर क्या किया एल वन और एल टू कैशे जो सी है वो बनाई ये एल वन और एल टू कैशे याद रखें सबसे नजदीक होती हैं आपके सीपीयू के यानी कि अगर इनको भी कैटेगराइज करूं तो मैं कहूंगा एल वन करीब होती है फिर एल टू उससे दूर होती है और एल थ्री जो CPU में नहीं होती वो उससे भी ज्यादा दूर होती है और वो फिक्स होती है ये fixed होती है ठीक हो गया और कहता है L1 वन जोश है इसकी कम होती है जैसे ही हम L2 पे आते हैं इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और जैसे ही L3 पे आते हैं इसकी कैपेसिटी L2 से भी ज्यादा हो जाती है, For example, example देते है L1 वन कैशे की अगर कैपेसिटी 2 किलो है तो हो सकता है कि आपकी जो एल टू ये कितनी हो फोर किलो जो एल थ्री कैश हो है, ये कितनी हो एट किलो बाइट या अगर टू एम बी है तो फोर एम बी और एट एम बी हो ये सारी की सारी एक तरतीब चल रही होती है जैसे जैसे आप सीपीयू के पास जाते हैं आपकी कैपेसिटी कम होती जाती है और स्पीड क्या होती जाती है फास्ट होती है और जैसे जैसे आप सीपीयू से दूर होते जाते हैं आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है लेकिन स्पीड क्या होती जाती है स्लो होती जाती है अब यहां पर जरा गौर करें हम अगर बात करें तो ये आपका सीपीयू है ये जो लेवल ऑफ कैशेज हैं डिफरेंट मेन मेमोरी और सीपीयू के इन बिटवीन है यानी कि यह लाइक कर रहे हैं रैम और सीपीयू के दरमियान रैम से जो भी डाटा डिमांड करना है वो कहां से होगा सबसे पहले सीपीयू जो एल वन कैशे में देखेगा अगर एल वन कैशे के अंदर वो डाटा मिल जाता तो प्रोसेसिंग करेगा अगर वहां से डाटा नहीं मिलता तो फिर कहां जाएगा एल टू कैशे के अंदर उसे तलाश करेगा अगर एल टू कैशे के अंदर भी वो डाटा नहीं मिला तो फिर क्या होगा एल थ्री कैशे में अगर एल में मिल गया तो प्रोसेसिंग करेगा अदरवाइज वो रिक्वेस्ट कहां चले जाएगी आपकी रैम के अंदर और रैम में से वो पोर्शन उठा के कहां लाया जाएगा एल फिर एल और फिर एल वन के अंदर और कहता है ये प्रोसेसिंग इसी तरह ही चल रही होती है अब यहां पे जरा और करें कि जब हम डिमांड करते हैं हमारा मतलब क्या है कि जब मैं डिमांड करने का मतलब है जब सीपी ओरिजिनली डिमांड करता है जब सीपीयू ने कोई प्रोसेस करना होता है डाटा तो वो सबसे पहले जो डिमांड भेजता है वो किसको भेजता है लेवल वन कैश को और कहता है लेवल वन कैश के पास हमेशा वो डाटा होता है जिसके ऊपर आपकी वर्किंग चल रही होती है या फोरी तौर पर उसकी डिमांड आ सकती है अगर L1 में वो डाटा नहीं है तो कहां पे होगा L2 L2 में नहीं होगा तो L3 पे होगा और अगर इन तीन में ना हो तो फिर आपके डिलेज आते हैं फिर आप जो क्या करते हैं रैम से उसे डाटा को कहाँ पे लोड करवाते हैं कैशे के ऊपर और कैशे से मूव करता हुआ वो डाटा सीपीयू तक पहुंचता है और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है अब अगर गौर किया जाए क्वेश्चन डिफरेंट नोयत के आ सकते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी कैशे अगर ना हो तो क्या होगा देखिए है तो ये मेमोरी सिर्फ क्या कह रही है अगर गौर करें रैम की स्पीड बहुत कम होती है जबकि आपके सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है जैसे जैसे हम लेवल ऑफ कैश से ऊपर जाते हैं यानी कि L3 से L2 L2 से L1 तो स्पीड क्या होती जाती है बढ़ती जाती है इसका मतलब है L1 की स्पीड क्लोज टू सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड होती है बात क्लियर हुई क्लोज टू ये नहीं कह रहा कि एक जैसी होती है क्लोज टू होती है इसी वजह से वो फौरी तौर पे प्रोसेस करवा लेते हैं लेकिन अगर इस लेवल्स को रिमूव कर दिया जाए कैश को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा आपका सीपीयू जो है हर डाटा के लिए डिमांड किसे कर रहा होगा मेन मेमोरी को और अगर मेन मेमोरी को डिमांड करे तो मेन मेमोरी की स्पीड तो बहुत कम है अगर मेन मेमोरी की स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली सीपीयू डाटा भी कम प्रोसेस करेगा उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी यानी कि कैशे का सेंटर में आना बेसिकली क्या कर रहा है आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर बात क्लियर हुई है ये मेमोरी है याद रखिएगा फास्ट इन स्पीड है बल्कि एक्सट्रीमली फास्ट इन स्पीड है ठीक है लेकिन इनकी कैपेसिटी क्या होती है बहुत ज्यादा कम होती है ठीक हो गया अब इसमें हमने देख लिया कि डिफरेंट लेवल ऑफ कैशेज हैं जिसमें L1 L2 जोन्स है ऑन सीपीयू होती है जबकि L3 जोन्स है ऑन मदरबोर्ड प्लग हुई होती है जरा गौर कीजिएगा ये तीनों के तीनों चीजें बेसिकली कहां पे प्लग होती हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू जोन्स है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं ये प्लग किया जाता है रैम प्लग की जाती है जबकि एल्थ भी कैश है याद रखेगा इमेड हुई आती है वो मदर बोर्ड पर पहले से मौजूद होती है और इसकी कैपेसिटी पहले से डिफाइन यहां तक बात क्लियर होगी यहां तक अब हमने जो कैश है मेमरी को डिस्कस कर लिया अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स तो नेक्स्ट बोर्ड और जो सेकंड मेमोरी है आपकी इंटरनल प्रोसेसर उसको डिस्कस करते हैं दैट इज रजिस्टर्स चले मूव करते हैं टुवर्ड्स क्स्ट पोस्ट स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रजिस्टर्स के हवाले से रजिस्टर्स के बारे में क्या कहता है कहता है टेम्प्रेरी मेमोरी इन साइड सीपीयू दैट होल्ड डेटा एंड एड्रेसेस कहते याद रखिएगा हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर दो तरह की मेमोरी है एक मेमोरी वो थी जो कि आपकी कैश मेमोरी कहलाती है दूसरी मेमोरी आपकी क्या है रजिस्टर्स कहता है अगर बात की जाए तो कहता है रजिस्टर्स सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं आपके प्रोसेसिंग यूनिट के यानी कि जब आपका रैम से डाटा एल थ्री कैशे फिर एल टू कैशे फिर एल वन कैशे में जाता है तो उसके बाद जो आपका डाटा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है या करंटली यूज हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो सारा का सारा डाटा कहां पर होता है आपका रजिस्टर्स के अंदर यानी क्या कह रहे हैं डाटा को भी होल्ड कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ एड्रेसेस को भी होल्ड कर रहे होते हैं यानी के कुछ रजिस्टर्स ऐसे होंगे जो कि डाटा को होल्ड कर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो कि इस कैपेबल होंगे कि वो एड्रेसेस को होल्ड कर सकेंगे एड्रेसेस कौन से याद रखें वो एड्रेसेस मेमोरी के एड्रेसेस होंगे जहां पर कोई ना कोई डेटा कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होगी बात क्लियर हो रही है मैंने क्या बात की है आपके कुछ रजिस्टर्स ऐसे होंगे जो कि डेटा को होल्ड कर रहे होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई, कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी होती है और कुछ ऐसे रजिस्टर्स होंगे जो कि एड्रेसेस को होल्ड कर रहे होंगे कौन से एड्रेसेस वो एड्रेसेस मेमोरी यानी कि रैम के एड्रेसेस होंगे और रैम के उन एड्रेसेस के ऊपर या तो कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी या फिर डेटा पड़ा होगा जिसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहां तक बात क्लियर होगी लिहाजा यहां से मैं पता चल गया कि रजिस्टर्स हैं, टेम्परे मेमोरी है इन साइड द सीपीयू जो क्या क्या होल्ड कर सकते हैं डेटा को भी होल्ड कर सकते हैं और इसके साथ साथ एड्रेसेस को भी होल्ड कर सकते अब पॉइंट में बात करता है कि होल्ड द डेटा ऑफ करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन अब क्या कह रहा है? कहता है कहता जो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है यानी माइक्रो प्रोसेसर जिसे प्रोसेस कर रहा है वो जो सी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है वो कहां पर होगा वो आपके रजिस्टर्स के अंदर होगा यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा कहां पर स्टोर हुआ होगा आपके रिजिस्टर्स में। रजिस्टर्स क्या कह रहे थे डाटा और एड्रेसेस दोनों होल्ड कर रहे थे। लेकिन जो करंटली एग्जीक्यूटेड डाटा है जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है जिसके ऊपर कोई ना कोई वर्किंग कर रहा है आपका माइक्रो प्रोसेसर वो सारा डाटा कहां पर पड़ा हुआ है आपका रजिस्टर्स में फिर बात क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर इनसाइड सीपीयू लार्ज नंबर क्यों का है? अभी ना, हमने पहली स्टेटमेंट के अंदर बात की थी कि कुछ रजिस्टर्स ये ऐसे हैं जो कि डाटा को होल्ड करते हैं कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके किसको होल्ड करते हैं एड्रेसेस को इसका मतलब है कि कोई एक रजिस्टर नहीं है जो कि एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगा इसका मतलब यह कि देर आर मल्टीपल रजिस्टर्स

और राइट करते हुए हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं रिजल्ट यानी कि डेटा को ही राइट कर रहे होते हैं कौन कौन से हैं सबसे पहले एक रजिस्टर है जो कि डेटा को होल्ड कर रहा होता है जो कि वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है फिर आपके पास कौन सा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम से जाहिर है कि जब हम इंस्ट्रक्शन को लेकर आते हैं तो कहां पे स्टोर करेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर डेटा रजिस्टर नाम से ही जाहिर है कि ये कोई ना कोई वैल्यू और डाटा को अपने पास क्या कर रहा होगा स्टोर कर रहा होगा प्रोग्राम काउंटर काउंटर यानी कि क्या करता रहेगा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वन बाय काउंट करते हुए आगे चलाएगा और लास्ट में क्या है मेमरी एड्रेस रजिस्टर यानी कि ये मेमोरी के एड्रेस को अपने पास क्या कर रहा होगा होल्ड कर रहा होगा यहां तक बात क्लियर होगी अब हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं आज के लेक्चर को हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ मेमरी हमने कहा कि दो तरह की मेमरी है मेन मेमरी सेकेंडरी मेमरी प्राइमरी मेमरी या सेकेंडरी मेमरी फिर हमने कहा मेन मेमरी डिवाइड की हमने तीन हिस्सों में इंटरनल प्रोसेसर मेमरी फिर बात की रैम की फिर बात की रोम की और इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की फिर हमने की सेकेंडरी मेमरी सेकेंडरी मेमरी हमने बात की मैग्नेटिक मेमरी की हमने बात की ऑप्टिकल मेमरी की हमने बात की सॉलिड स्टेट मेमरी की फिर उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया हमने फिर डिटेल में वन बाय वन डिस्कस किया सबसे पहले इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी को हमने क्या कहा वो तमाम की तमाम मेमोरी जो इनसाइड साइड द सीपीयू होती है वो क्या कहलाती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी और यहां पर दो तरह की मेमोरी ऐसी है जो कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहलाती है एक आपकी कैश मेमरी है और दूसरी आपके रजिस्टर्स है कैश मेमरी के बारे में बात की हमने कहा जी एक्टिव पोर्शन ऑफ मेमोरी को ये क्या करता है स्टोर करता है टेम्परे डाटा होल्ड करती है डिफरेंट इसके लेवल्स हैं एल वन एल टू एल थ्री इसका कुछ जो लेवल्स हैं वो इन साइड द सीपी होते हैं कुछ आपके ऑन मदर बोर्ड होते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं मैंने पर्पज भी बताया था बेसिकली आपके जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको डाटा प्रोवाइड करना किसका काम होता है आपका कैशे मेमोरी का काम बात क्लियर होगी फिर उसके बाद हमने बात की कि अगर कैशे को हटा दिया जाए तो क्या होगा तो हमने कहा था स्पीड क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी किस चीज की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आपकी कम हो जाएगी ठीक हो गया फिर उसके बाद हमने रजिस्टर्स को डिस्कस किया कि टेम्प्रेरी मेमोरी है ये भी इन साइड द सी पी यू होती है ये होल्ड करती है डाटा को और एड्रेसेस को कौन से डाटा और एड्रेसेस को जिसके ऊपर करंटली वर्किंग हो रही है जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं कैशे में और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कैशे एक्टिव पोर्शन को अपने पास रखता है जबकि रजिस्टर्स जिस डेटा पे प्रोसेसिंग हो रही है जिस एड्रेस के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है वो अपने पास होल्ड करके रखता है और फिर हमने कहा कि बहुत से आपके रजिस्टर्स हैं जो कि डाटा के लिए यूज होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि आपके एड्रेस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जिसमें हमने कॉमनली यूज की बात की किमुलेटर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है डाटा रजिस्टर है फिर हमने प्रोग्राम काउंटर की बात की फिर हमने बात की मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की और इनकी थोड़ी थोड़ी सी बात कही कि जी जैसे एक्मुलेटर और डेटा रजिस्टर वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम के सीक्वेंस को देख रहा होता है जो इस तरह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो मेमोरी के किसी एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रख रहा होता है यहाँ तक बात क्लियर होगी है उम्मीद है बेटा कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़